धागा डालने की दो प्रक्रिया बता चुके हैं, अब आपको धागा डालने की तीसरी प्रक्रिया बताएंगे। यहाँ पे एक होल होता है, आप इस तरीके से इसे खोल लेंगे, आपको होल दिख जाएगा। इस तरीके से इस होल में आप धागा डाल लेंगे। फिर हम ये होल में इस तरीके से हम धागा यहाँ से खींच लेंगे। फिर यहाँ एक और होल होता है, उस होल में धागा डालेंगे। चिमटी की सहायता से इस धागे को इस तरीके से खींच लेंगे। फिर हम अब हम ये टेंशन स्क्रू में इस तरीके से धागा डालेंगे। फिर यहाँ एक होल होता है, आप प्लाकर की सहायता से धागा डाल के यहाँ से निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप धागा डालेंगे, इस तरीके से धागा आपका बाहर निकल जाएगा। चिमटी से सहायता से धागा को आप इस तरीके से खींच लें, इस तरीके से आपका धागा इस तरीके से बाहर आ जाएगा। फिर आप इस नीडल में धागा डालेंगे, उधर साइड से धागा आप डाल के अपने साइड लाएंगे, प्लाकर की सहायता से आप धागा डाल सकते हैं। इस तरीके से आपका धागा डल जाएगा और आप अपन साइड उस अपने तरफ से उधर साइड धागा डालेंगे। धागे को इस तरीके से प्लाकर में फंसा लें और फिर अपने साइड से उधर साइड धागा डालें। तरीके से इस धागे को अपने साइड से उधर साइड डालेंगे। इस तरीके से ये धागा आपका डल जाएगा और प्लाकर की सहायता से आप धागे को तरीके से पकड़ के अपने साइड खींच लें। ये देखिए आपका ओवरलॉक मशीन में तीसरा धागा भी डल चुका है। हमने तीनों प्रकार के धागे अब इसमें डाल